जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, चरागे रह गुजर। पेशकश गुल बूटे। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। इंसान अगर किसी काम को करने का बेड़ा उठाए तो उसे किसी बड़े मनसब की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो आम से ओहदे पर रहकर बड़े काम कर सकता है। बड़ा काम करने के लिए बड़ी सोच की ज़रूरत है, और ये तमाम चीज़ मौजूद है मोहम्मद शरीफ में। मोहम्मद शरीफ की पैदाइश 17 दिसंबर 1961 को गांव सकरी बखरिया, पोस्ट शिवपति नगर, ज़िला सिद्धार्थनगर यूपी के एक गरीब घराने में हुई। उनके वालिद मेहदी हसन वर्ली मुंबई की मशहूर मिल श्री राम मिल में मुलाजिम थे। वालिद चूंकि पहले से ही मुंबई में रिहायश पजीर थे, इसीलिए मोहम्मद शरीफ भी मुस्तकिल तौर पर मुंबई आ गए। 1966 में वर्ली नाका म्यूनसिपल उर्दू स्कूल में पहली जमात में उन्हें दाखिला मिला। जब मोहम्मद शरीफ चौथी जमात में थे तब एक हादसे में उनकी वालदा चल बसी। वालिद ने दूसरी शादी नहीं की और अपना सारा ध्यान बच्चों की परवरिश में लगा दिया। मोहम्मद शरीफ के अहले मोहल्ला उनसे अपना ख़त लिखवाते पढ़वाते और शाम के वक्त जमा होकर उनसे उर्दू अखबारात सुना करते। उस वक्त मोहम्मद शरीफ के वालिद साहब रोज़नामा इनकलाब और हफ्त रोज़ा नशेमन के मुस्तकिल कारी थे, और दोनों अखबार बिला नागा उनके यहाँ आते थे। बचपन से उन्हें कल्चरल प्रोग्राम्स के अलावा खेल कूद का भी काफ़ी शौक़ था। चुनांचा गाइड, स्काउट, आरएसपी और दौड़ के मुकाबलों में शरीक होते। तकरीर का शौक़ भी था और ड्रामों में भी काम करते। गरज होनहार बरवा के चिकने चिकने पात वाली कहावत उन पर सादिक आती। यही वजह थी छठी जमात में उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर नाट्यगृह हॉल में एक कव्वाल के लिबास में हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने अपने साथियों के साथ स्टेज करने का मौका मिला। सातवीं जमात में उन्हें एक म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल तकरीरी मुकाबले में शिरकत का मौका मिला। पहले स्कूल की सतह पर इंतखाब हुआ, फिर वार्ड लेवल पर पहला मकाम हासिल हुआ और आखिर में मुंबई शहर के तमाम म्यूनसिपल स्कूलों में अव्वल इनाम मिला। तकरीर का मौजू था यूं ही वक्त सोसो के जो हैं गवाते, जिसे उनके उस्ताद नसीबुल्ला खान ने, जिन्हें अदब की दुनिया में नोमान इमाम के नाम से याद किया जाता है, ने तहरीर किया था और उन्हें तैयार भी किया था, जिसका एक डायलॉग आज तक जबान जद है। नमरूद की खुदाई एक बुत तराश के बेटे के हाथों तबाह बर्बाद हो गई। फिरौन का सारा जबरूत मूसा के कदमों पर सरनिगु हो गया। कैसरो कसरा के ताज अरब के बादिया नशीनों के कदमों तले कुचल दिए गए। मैं उस स्कूल के प्रकार महमूद जनाब की शफकतों और मोहब्बतों को भी कभी भुला न सका। 1973 में उनका दाखला मौलाना आजाद हाई स्कूल मोमिनपुरा मुंबई में हो गया। जाहिर सी बात है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी की तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से हाई स्कूल में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते रहते। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के पहले हेडमास्टर अब्दुल मन्नान आज़मी उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी के माहिर थे। स्कूल ड्रामा मुकाबला रोज़नामा हिंदुस्तान बज़्म खिलती कलियां के ज़रिए किया जाता था, जिसमें उन्हें बउनवान महमूद गज़नवी का इंसाफ में महमूद गज़नवी का किरदार दिया गया, जहां उन्हें बेहतरीन अदाकार का पहला इनाम दिया गया, जिसका एक डायलॉग था, ज़मीन अपना महवर बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज अपना मतलब बदल सकता है, लेकिन महमूद गज़नवी का इंसाफ नहीं बदल सकता। मौलाना मुख्तार नदवी के तालीमी इदारे जामे मोहम्मदिया मालेगांव में दीनी और अरबी तालीम के लिए दाखिल हुए तो एक अलग तरह का तजुर्बा हुआ। दरअसल उनके वालिद साहब
उन्हें आलिम दीन और मुबल्लिग इस्लाम बनाना चाहते थे। पहले उनकी आदत यह थी कि जितना इम्तिहान में लिखना होता था उतना ही पढ़ते थे और उस पर दावा यह होता कि कोई मुमतहिन मुझे फेल करके दिखाए। मगर मदरसे में तालीम हासिल करने पर उनका यह नज़रिया बदल गया। अब मदरसे में तमाम अजवाक याद करने होते थे, चाहे वो इम्तिहान में आए या ना आए। शुरू शुरू में इसे अपनाते हुए तकलीफ हुई, मगर बाद में हालात से समझौता करना पड़ा और मालेगांव से मौलवियत की सनद ली। 1979 में मोहम्मद शरीफ की शादी गांव में उनकी फूफीजाद बहन सफिया जैतून से हुई और उन्हें जामे सल्फिया बनारस जाना पड़ा। 1983 में जामे सल्फिया से आलमियत की सनद लेकर वापस मुंबई आ गए। मालेगांव और बनारस के तालिब इल्मी के ज़माने में मुख्तलिफ मसाजिद में अक्सर जुमा की नमाज में इमामत और खिताबत के मौाक़े मिले। मुंबई आने के बाद मुंबई के करीब वसई के कामन गांव में इमामत और खिताबत के फ़रज़ अंजाम दिए। बाद हज़ां अब्दुल मन्नान आज़मी साहब की ईमा पर अंजुमन रियाजुल इस्लाम हाई स्कूल गवंडी में अरबी और दीनियात के मौलिम की हैसियत से तकरर हुआ। अंजुमन रियाजुल इस्लाम में उन्होंने तकरीर और तहरीर के कई मुकाबले मुनक़िद करवाए। बैनुल मदारिस मुकाबलों में भी उनके स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी रही। कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद भी करवाया। 1985 में उनकी एक तालिबा ने SSC के इम्तिहान में अरबी मजमून में बोर्ड में टॉप किया, जिसका नाम बोर्ड के किताबचे में शाये हुआ था। दौरान तदरीस उन्होंने 5 साल कोर्स के लिए अरबी जबान और दीनियात पर 5 किताबें तहरीर की, जो पंजुम ता नौहुम तक थीं। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद वो तमाम कागजात लापता हो गए। रियाजुल इस्लाम को खैर बात कहने के बाद वो बहसियत क्लर्क मौलाना आज़ाद हाई स्कूल से जुड़ गए और इस तरह वो कारी नजमुल हसन फैजी के रबते में आ गए। मोहतरम उस्ताद अनवार अहमद सिद्दीकी तो पहले ही रबते में थे। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में 22 फरवरी 1985 30 अप्रैल 1987 लीव वैकेंसी पर काम करते रहे। 1 मई 1987 से 29 जून 1987 तक जूनियर क्लर्क और उसके बाद 30 जून 1987 से सीनियर क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हैं। 1988 में मौलाना आज़ाद की 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर एक आला सेमिनार का इनेकाद किया। 9 रोज़ा मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी पर मबनी नुमाइश का अहतमाम किया। एक किताबचा नैरंगे आलम के नाम से शाय किया, जिसका इफ्तिताह उस वक्त की राज्यसभा की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा नजमा हिप्तुल्ला ने किया था। इस दौरान वो अपनी रिहाइश भी बदलते रहे। वर्ली से कुरला, कुरला से वडाला, वडाला से गवंडी और गवंडी से धारावी और धारावी से मुमरा। धारावी में रिहाइश के दौरान हर साल वो महसूस करते थे कि तालीमी साल के इब्तदा में बच्चों के तालीमी दाखिले के सिलसिले में बहुत परेशानी होती थी। वालिदैन अपने बच्चों के दाखिले के सिलसिले में कुरला, बांद्रा और माहिम का सफ़र करते थे। जमात हफ्तुम के बाद एक भी तालीमी इदारा वहाँ नहीं था, लेकिन अवाम का हाल ये था कि वक्त गुजर जाने के बाद लोग ठंडे पड़ जाते थे, कोई इस पर दिलजमी से काम करने को तैयार नहीं था। उन्होंने ज़रूरत को समझते हुए 1997 में धारावी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाया और एक स्कूल के क़याम के लिए जद्दोजहद शुरू की। लेकिन अपनों ने इस कदर सख्त मुखालफत शुरू कर दी और दूसरे ना तजुर्बाकारी और कम उम्री की वजह से वो पीछे हट गए और धारावी का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एकता फोरम के नाम से एक इदारा रजिस्टर्ड करवाया। एकता फोरम का बुनियादी मकसद जहां मुसलमानों के तमाम ग्रोह को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था, वहीं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए माहौल साजगार करना था। इस इदारे के तहत शहर में कई मुशायरों और कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया। 1995 में उन्हें ब्रहन मुंबई शिक्षक कर्मचारी महासंघ का मुंबई के उर्दू स्कूलों का कोऑर्डिनेटर मुंतखब किया गया, जिसके जरिए उन्होंने स्कूल में काम करने वाले गैर तदरीसी मेंबरान के बुनियादी मसाइल को हल कराने में
कामयाबी हासिल की। चिपलोनकर कमेटी ने उन सिफारिशात को मंजूर किया। 1998 में उन्हें सेकेंडरी स्कूल्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का डायरेक्टर मुंतखब किया गया। पहली बार कोई मुस्लिम नुमाइंदा इलेक्शन जीत कर सोसाइटी का डायरेक्टर चुना गया। उस वक्त सोसाइटी के 18,000 मेंबरान थे और सोसाइटी की 3 ब्रांच थी। मेंबरान ने उनके काम को देखते हुए मुसलसल 3 बार मुंतखब किया। वहाँ उन्हें चेयरमैन, नायब चेयरमैन, खाजिन और जनरल सेक्रेटरी जैसे अहम अहदों पर काम करने का अच्छा खासा मौका मिला। 2015 में जिस वक्त वो नुमाइंदगी से हटे, सोसाइटी के पास अपनी मिल्कियत के 14 ब्रांच, 1 हेड ऑफिस और 1 रिसोर्स सेंटर था। आज तक कोई दूसरा मुस्लिम डायरेक्टर इसके लिए मुंतखब नहीं हो सका। सन 2000 में हुकूमत महाराष्ट्र ने उन्हें मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का मेंबर मुकरर किया, जिसके जरिए मुंबई के शहरियों को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराना था, जैसे पानी, बिजली, बैतुल खला, गली के रास्ते, गली के नाले और गटर जैसे बुनियादी और अहम चीज़ों की तामीरात थीं। हुकूमत के इस शोबे में उन्होंने तकरीबन 4 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दी। पीपल्स इंग्लिश नाइट हाई स्कूल मदनपुरा का इंतहाई कदीम इंग्लिश मीडियम नाइट स्कूल है, जो 1953 से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। एक मंसूबाबंद साजिश के तहत 2010 में बंद कर दिया गया। 2011 में इस इदारे को उन्होंने अपने हाथ में लिया। इब्तदाई दिनों में उन्हें धारावी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत असर नौ शुरू किया। स्कूल की सैलरी ग्रांट और नॉन सैलरी ग्रांट अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू हुई। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्कूल के कमरों पर ताला लगा दिया था, कमरे खुले गए, दोबारा तालीम का बाकायदा आगाज हुआ। हुकूमत हिंद के ताउन से इंतहाई आला मियार का कंप्यूटर लैब कायम किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 स्टाफ काम कर रहा है और 200 से ज़्यादा तलबा व तालिबात जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। आज ये स्कूल प्रोग्रेसिव एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। वर्कर्स एजुकेशनल सर्विस लीग नागपाड़ा का नहायत कदीम तालीमी इदारा है। तालीम से मुंसलिक नाआकिबत अंदेशों ने उसका बुरा हाल कर रखा था। करीब था कि ये इदारा भी अपनी आखिरी सांस ले। उन्हें उस वक्त बुलाया गया। उस वक्त इस इदारे के तहत चलने वाला डोंगरी का एक स्कूल बंद हो चुका था। नागपाड़ा और कुरला के इदारे आज भी चल रहे हैं। अल्लाह इस्लाफ की उन निशानियों को हासिदीन की नज़र बस से बचाए। मुंबई के कई मिल्ली समाजी तालीमी और सियासी इदारे से भी वो वाबस्ता रहे और कई एक के साथ आज भी वाबस्ता हैं। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और तंजीम वालिदैन के साथ काम करने का मौका मिला। शुरू के दिनों में तंजीम वालिदैन धारावी यूनिट के इंचार्ज रहे। तंजीम के जरिए धारावी के मुख्तलिफ म्यूनसिपल स्कूलों के जमात पंजुम में पढ़ने वाले कमज़ोर तलबा को जमा करके 3 मुख्तलिफ ग्रोह में बाँट कर उनको इस हालत तक पहुँचाया जाता था कि वो लिखना और पढ़ना समझ सकें और उनकी दिलचस्पी स्कूल से कायम रहे। वो शुरू से ही नज़रियाती तौर पर कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक रहे। मुंबई कांग्रेस अकलियती शोबे के जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर मुंतखब हुए, लेकिन कांग्रेसियों से बज़न होकर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। कोई सियासी पार्टी नज़रियाती सतह पर कबूल ना हो सकी, इसलिए सियासत से दूरी इख्तियार करने पर मजबूर हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हद दर्जा मोहब्बत होने की वजह से और उनके अफकार व नज़रियात से पूरी तरह मुत्तफिक होने की वजह से उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी अवाम और बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान मौलाना आज़ाद के नज़रियात से हम आहंग हो जाएं। इसलिए उन्होंने 22 फरवरी उनके यौम वफात को यौम तालीम के तौर पर 1988 से मुसलसल मनाने का सिलसिला शुरू किया। इसलिए भी कि उनके यौम पैदाइश 11 नवंबर को अक्सर दिवाली की तातीलात की वजह से महाराष्ट्र के स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन जब हुकूमत हिंद ने 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम का ऐलान कर दिया तो मजबूरन उस पर अमल पैरा होना पड़ा। अफसोस सद अफसोस इस बात का कि उर्दू के अक्सर तालीमी इदारे सरकार के इस ऐलामिये के बाद भी इस तौफीक से कोसों दूर हैं। मोहम्मद शरीफ साहब के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं।
تمام کی شادی ہو چکی ہے، الحمدللہ سب کے سب بال بچے والے اور برسر روزگار ہیں۔ ان کا یہ خواب ہے کہ اگر زندگی نے وفا کیا تو کوشش ہوگی کہ اپنے ملت کے بچوں کو تعلیم سے جوڑ سکیں، اس لیے کہ آج معاشرے میں تعلیم کا جو رجحان ہے وہ بہت جان لیوا ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کو بہت قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبسوط تو مضبوط تعلیمی اداروں کا بند ہونا اور کمرشیل تعلیمی اداروں کا جال سا پھیلنا نسل نو کے لیے نقصان دہ ہے۔ سرکاری مراعات اور سہولیات سے دوری اور ریزرویشن کا مطالبہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان مضر خطرات سے عوام کو روشناس کرانا ان کے نزدیک اس وقت کا عظیم جہاد ہے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ ان دو نظریات کو دانشوران ملت کے سامنے رکھ سکیں، مادری زبان کی اہمیت اور افادیت کو دوسروں کو سمجھا سکیں اور آنے والے خطرات سے بچا سکیں۔